बात कर लेते हैं पीओके के बारे में। पीओके हमारा है, हिंदुस्तान इस बात को सालों से बार बार कहता आ रहा है, लेकिन पीओके को हासिल करने का वक्त आ गया है और इसका ट्रेलर राजनाथ सिंह, अमित शाह और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया को दिखा रहे हैं। पीओके में जहां पाकिस्तान के जुल्म से सबूत पूरी दुनिया देख चुकी है, वहीं पर जनता आतंकिस्तान से छुटकारा पाना चाहती है पाकिस्तान की, और भारत के साथ रहने की हरी झंडी दे रही है। अब तो हिंदुस्तान के कोने कोने में पीओके और भारत के साथ विलय को लेकर शोर मचने लगे हैं। ऐसा लगने लगा है कि भारत का अगला टारगेट पीओके का भारत के साथ साथ विलय ही है, क्योंकि पीओके हमेशा से हिंदुस्तान के कलेजे का टुकड़ा रहा है और कलेजे के टुकड़े को जुल्म सहने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता। इसी मुद्दे पर इंडिया न्यूज ने एक बड़ा सर्वे किया है, उस पर चर्चा करेंगे, उसके सवाल आपको दिखाएंगे, लेकिन उसके पहले एक रिपोर्ट हमने तैयार की है, उस रिपोर्ट को देखिए। पीओके पर कब्जे की स्क्रिप्ट तैयार। अब की बार पीओके में बीजेपी सरकार, पाक देखता रह जाएगा और पीओके हमारा हो जाएगा। हिंदुस्तान ने खाई है भारत माता की कसम, पीओके पर तिरंगा फहरा कर लेंगे अब हम दम। पीओके हमारा है और हिंदुस्तान इसे लेकर रहेगा। अब हिंदुस्तान के कोने कोने से ये गूंज तेज होने जा रही है। पाक ऑक्यूपाई कश्मीर का जहां तक सवाल है, ये केवल भारतीय जनता पार्टी नहीं, देश की संसद का कमिटमेंट है कि पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का हिस्सा है और इस पर हमारा अधिकार है, इसको कोई झूठला नहीं सकता। ये आज जो फारूक अब्दुल्ला जी और कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि पाकिस्तान के पास एटम बम है तो उनको सम्मान करिए, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर का डिमांड न करिए, मैं उनको पूछना चाहता हूं कि 130 करोड़ की आबादी वाला, जनसंख्या वाला एटॉमिक पावर भारत, ये महान देश क्या किसी से डरकर अपने अधिकार जाने देगा? किस प्रकार की सोच है? और राहुल अबाबा ने देश की जनता के सामने एक्सप्लेन करना चाहिए, इनके अलायंस के नेता और इनकी पार्टी के नेता क्या कहना चाहते हैं? पाकिस्तान का सम्मान करो मतलब क्या, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर जाने दे? लेकिन भारत में नेतागिरी करने वाले, भारत के टुकड़ों पर पलने वाले कुछ लोग इसे मजाक में ले रहे हैं। अब फारूक अब्दुल्ला ही कह रहे हैं पीओके लेना आसान नहीं है, पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहन रखी है। डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं तो करें, हम कौन से रोकने वाले हैं, हमें तो पहुंचेंगे नहीं। ये भी याद रखे वो कि वो भी चूड़ियां पहने हुए नहीं, याद रखिएगा, उनके पास भी एटम बम है, याद रखिएगा, और अफसोस यह है कि वो एटम बम हमारे ऊपर ही गिरेगा। अपनी धरती पर खड़े होकर आतंकी मुल्क की भला कौन तारीफ करता है? चुनावी माहौल में भले ही जोशीले भाषण का जोर है, लेकिन सच्चाई तो यही है, पीओके हमारा है। पीओके हिंदुस्तान के कलेजे का टुकड़ा है और कलेजे के टुकड़े पर आतंकिस्तान जुल्म ढा रहा है। दशकों से इस दर्द से भारत माता कराह रही है, लेकिन अब पीएम मोदी ने भी जैसे ऐलान कर दिया है कि अब काउंटडाउन शुरू हो चुका है। फारूक अब्दुल्ला के बयान के बहाने पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा रहे हैं। पीएम मोदी पीओके को भारत में विलय वाली स्क्रिप्ट का ट्रेलर दिखा रहे हैं। कहते हैं कि पाकिस्तान ने चूड़िया नहीं पहनी है, अरे भी पहना देंगे, अब उनको आटा भी चाहिए, उनके पास बिजली भी नहीं है, अबे हमें मालूम नहीं है कि उनके पास चूड़िया भी नहीं है, कोई मुंबई हमले में पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहा है, कोई सर्जिकल और एयर स्ट्राइक पर सवाल उठा रहा है, ये लेफ्ट वाले तो भारत के परमाणु हथियारों को ही खत्म करना चाहते हैं। पीएम मोदी के बयान से पाकिस्तान में खलबली मची है। कंगाल पाकिस्तान, आतंक का रहनुमा हिंदुस्तान को उपदेश दे रहा है, चुनावी जनसभाओं में
हमारी नेता क्या बोले क्या नहीं बोले ये बताने की हिमाकत कर रहा है, लेकिन पीएम मोदी के बयान से पाक की सिट्टी पिट्टी गुम है। देखिए भीगी बिल्ली की तरह अपनी बात कैसे रख रहा है। भारतीय नेताओं को घरेलू चुनाव में लाभ पाने के लिए पाकिस्तान को घसीटना बंद कर देना चाहिए। हम संवेदनशील और रणनीतिक मामलों में सावधानी बरतने की अपील करते हैं। हम अंतर्राष्ट्रीय नेतृत्व से भी इस मसले में हस्तक्षेप करने का आग्रह करते हैं, क्योंकि यह क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए गंभीर खतरा है। वहीं पीएम मोदी के बयान से पीओके में रहने वाले हमारे भाई बहनों का जोश हाई है। आतंकिस्तान के जुल्मों से लड़ रहे हैं और ये दर्द भारत माँ के सपूतों से देखा नहीं जा रहा है। तभी चारों तरफ से बस अब एक ही मांग है, आतंकिस्तान की हेकड़ी पर बड़ा प्रहार अब जरूरी है। पीओके में तिरंगा झंडा फहराने की अब दरकार है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। आपने इस खबर को विस्तार से समझ लिया होगा। इसी खबर से जुड़े हुए हमारे कई सारे सवाल हैं और उस पर जनता की राय भी है। सर्वे का पहला सवाल जो हमने लोगों से पूछा वो सवाल है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी को तीसरा टर्म मिला तो पाकिस्तान को चूड़ियां पहना देंगे। 83% यानी कि 83% लोगों ने कहा कि हाँ पहना देंगे। 14% लोगों ने कहा कि नहीं पहना पाएंगे और 3% लोग ऐसे थे जो उस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। पीओके यानी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर एक बड़ा विषय है जो कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर है, जहां पर पाकिस्तान बार बार जाकर इस बात की गुहार लगाता है। लेकिन क्या इतनी आसानी से इस मुद्दे का हल हो जाएगा? विस्तार से चर्चा करेंगे सूर्य प्रकाश मैथिल बीजेपी नेता, अजय वर्मा कांग्रेस नेता और सुरेंद्र सिंह लाली अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। लाली साहब हमारे साथ मौजूद है। लाली साहब एक चीज आपसे पूछना चाहता हूं, चुनावी सभाओं में जिस तरीके से राजनेता पीओके का जिक्र करते हैं उसको लेने की बात करते हैं, अब तो पाकिस्तान को भी चूड़ियां पहनाने की बात की गई है, क्या यह इतना आसान है जितना चुनावी सभाओं में बोला जा रहा है? मनोज जी, अगर आसान भी नहीं है तो मुश्किल भी नहीं है जी। ताउम्र मैं यही भूल करता रहा, धूल मेरे ही चेहरे पे थी और मैं आईना पहुंचता रहा। ये पाकिस्तान की प्रॉब्लम रही, क्योंकि पाकिस्तान हिंदुस्तान की बर्बादी में अपनी आबादी ढूंढता रहा। मेरे को आप 2-3 मिनट दीजिएगा, मैं आपको बैकग्राउंड बताऊंगा कि ये क्यों हो रहा है। जी जी बताएं, बोलिए। क्योंकि जब मनोज भाई, पाकिस्तान जो मुल्क है वो एक फाइनेंशियल क्राइसिस में नहीं है, वो सिर्फ एक पॉलिटिकल क्राइसिस में नहीं है, वो एक आइडेंटिटी क्राइसिस में है। क्योंकि जब एक बिल्डिंग भी आप बिना नक्शे के बनाओगे तो वो गिरेगी। यहाँ तो एक मुल्क ही बिना समझ के बन गया, क्योंकि दो आदमियों की टसल थी। इसमें एक कह रहा था कि मेरी कमीज तेरी कमीज से सफेद कैसे, और इसमें दो मुल्क बन गए, विच इज व्हाट वी कॉल द टू नेशन थ्योरी। अब वो तो फेल हो गई, क्योंकि बांग्लादेश भी टूट गया और उससे ज्यादा मुसलमान हिंदुस्तान में रह रहे हैं और पाकिस्तान में तो आप देख ही रहे हैं जी। तो मेरे मरहूम पिताजी कहा करते थे कि एक बेवकूफ दोस्त से अकलमंद दुश्मन ज्यादा अच्छा होता, और हमारी किस्मत में तो अटल बिहारी वाजपेयी भी ये बोला करते थे। हाँ, वाजपेयी जी भी कहते थे कि एक बेवकूफ दोस्त अच्छा होता तो हमारी किस्मत में तो बेवकूफ दोस्त भी और बेवकूफ हमसाया भी है। मनोज भाई, हुआ क्या था कि मैं थोड़ा सा आपको वापस हिस्ट्री में ले जाऊंगा कि 1947 में जब ये पार्टीशन हुआ जी, उस समय 19% जो पाकिस्तान बना दो आदमियों की ईगो टसल में, 19% पॉपुलेशन गई ब्रिटिश इंडिया की, 17% रिसोर्सेज गए, पर 33% इंडिया की आर्मी वहां चली गई, GHQ रावलपिंडी जी। अब हुआ क्योंकि आर्मी वहां पहले से एस्टैब्लिश थी, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन तो थी नहीं, तो फिर अब उन्होंने बोला आर्मी ने कि अब हमें दुश्मन क्रिएट करना है, क्योंकि हम अपने बजट कैसे जस्टिफाई करेंगे, क्योंकि अगर आप पाकिस्तान गए हो तो देखेंगे कि पाकिस्तानी आर्मी वहां डिफेंस हाउसिंग में भी है, वो हर तरीके के सीमेंट के बिजनेस में भी है, वो हर तरीके के बिजनेस में है। तो हुआ क्योंकि जब आर्मी डेवलप इतनी डेवलप्ड आर्मी मिल गई तो उन्होंने वहां पे अपना उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बनने नहीं दिया जी, क्योंकि वो डोमिनेट करती रही, और उसके बाद तो पॉलिटिशियन को लताड़ते रहे कि ये बेवकूफ है, ये करप्ट है, तो हम तुम्हें बचाएंगे किससे? हिंदुस्तान से। क्योंकि मुल्क किस लिए बना था कि दो मुल्क मफाद जो था कि हम दोनों आपस में मिलकर नहीं रह सकते, तो उन्होंने हिंदुस्तान को एक बहुत बड़ा दुश्मन बनाया कि हिंदू है काफिर है, इसीलिए तो बना था।
नहीं वो आपने ठीक किया, और यही कारण है कि पाकिस्तान के जितने भी हुक्मरान हैं वो अपने चुनाव में कहीं ना कहीं हिंदुस्तान को इस्तेमाल करते हैं, हिंदुस्तान की लीडरशिप को इस्तेमाल करते हैं, उनके ऊपर आरोप लगाते हैं और एक डर भी दिखाते हैं, डर दिखाने की कोशिश करते हैं कि अगर हिंदुस्तान हमारे ऊपर हावी हो गया तो आप समझ लो क्या है। और यही कारण है कि हर चुनाव में उनका सबसे बड़ा मुद्दा होता है। लेकिन दुख की बात यह है कि हिंदुस्तान के यानी कि भारत के हर चुनाव में भी तो यही मुद्दा है, पाकिस्तान है। देखो मनोज जी, इसमें फर्क है, बहुत बढ़िया सवाल है आपका। वहां फर्क यह कि वहां पे जो भी पॉलिटिक्स में आता है वो आर्मी चूज करती है, गेट नंबर 3 है उनका जी, जो कि जीएचक्यू, क्योंकि तो वहां पे जो चक्कर मारता है उसी को प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता है। तो वहां पे तो उनको ब्रीफ मिलती है वहीं से, वो डिसाइड करते हैं कि कितने इमरान खान को वोट जाएंगे, कितने किसको जाएंगे, कितने किसको जाएंगे, ताकि वो वेस्टर्न वर्ल्ड के सामने एक बढ़िया सा गुलदस्ता बना के रखते हैं, क्योंकि उन्हें IMF से एड लेनी होती है जी। पर वहां पे खेला कुछ और है, यहाँ खेला ये है कि यहाँ पे इंडिया अब डिफरेंट है, ये पुराना कांग्रेसी नेहरू जी का इंडिया नहीं है, ये नया इंडिया जो अपने हक के लिए लड़ना जानता है, और वो भी बम गोले या तलवार से नहीं। और उसके कई सारे संकेत अंतरराष्ट्रीय मंचों पर दिखाई भी दे रहे हैं। सर्वे का दूसरा सवाल मैं ले लेता हूँ जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, हम जो चर्चा कर रहे हैं उसी से जुड़ा हुआ है। सर्वे का दूसरा सवाल है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी को तीसरा टर्म मिला तो पीओके को पूरी तरह से पाकिस्तान के कब्जे से मुक्त करा लेंगे। 81% लोगों ने कहा हाँ, 17% लोगों ने कहा ना, और 2% लोग ऐसे थे जो इस मसले पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। मैथिल साहब, आपसे जवाब। सूर्य प्रकाश मैथिल, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी, मुझे अटल बिहारी वाजपेयी जी की वो 4 लाइनें याद आ रही हैं जी, कि ये वंदन की धरती है, अभिनंदन की धरती है, ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है, इसका कणकण कंकर कंकर हमारे लिए शंकर है, हम जिएंगे तो इस भारत के लिए और मरेंगे तो इस भारत के लिए, और मरने के बाद यदि गंगा जल में बहती हुई हमारी अस्थियों को भी कोई कान लगाकर सुनेगा तो उसमें से आवाज आएगी भारत माता की जय। और जो पार्टी ये सोचती हो, जिस पार्टी की रगों में इस प्रकार का रक्त बहता हो, इस प्रकार के शब्द बहते हो मनु जी, तो क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं आप उस पार्टी से? हमने भारत माता के सर पे लगा हुआ 370 और 35 का कलंक साफ किया है 70 साल में, और अब की बार जब हम आएंगे तो हम भारत माता के मुकुट की मणि जो पार्ट ऑक्यूपाइड कश्मीर कहलाती है वो भारत माता के सर पे हम लगाएंगे, और वहां पर अजय वर्मा साहब यानी कि सीधा सीधा संकेत है कि जो काम इतने सालों में आप नहीं कर पाए वो काम मैथिल साहब 400 सीटों के साथ कर देंगे। मनु जी 500 सीट, अब कह दीजिए 500 सीट कोई बात, देखिए ये चीजें कब निकल के आई है, पॉलिटिकल विंडेटा, पॉलिटिकल एजेंडा। 2014 पहला मेरा क्वेश्चन देश की सरकार से, उल्टा हो रहा है, सरकार क्वेश्चन पूछ रही है अपोजिशन से और जनता से, जबकि देश की सरकार को तुम्हारे कर्मों का जवाब पूछ रहे हैं, तुम्हारे कर्मों का हिसाब पूछ रहे हैं। एक बार सुन लीजिए मैथिल साहब, एक बार सुन लेते हैं, आप इतनी जोर से बोलते हैं कि हमारी स्क्रीन हिल जाती है। मनु जी वो फोटो दिखा दीजिए जब कश्मीर के हत्यारे के साथ मनमोहन सिंह बैठ के खाना खा रहे थे। चलिए मैं सर्वे का एक और सवाल ले लेता हूँ, जब तक आप लोग बहस कर लीजिए मैं सर्वे का एक और सवाल ले लेता हूँ। वो सर्वे का सवाल है कि पीओके में भारत के पूर्ण कब्जे के सबसे बड़ी भूमिका में आप किसे देखते हैं? 48% लोगों ने कहा केंद्र सरकार को, 40% लोगों ने कहा भारतीय सेना को, 9% लोगों ने कहा पीओके की बागी जनता को, और 3% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। सवाल क्या है, पीओके पर भारत के पूर्ण कब्जे के सबसे बड़ी भूमिका में आप किसे देखते हैं? मेजर जनरल रिटायर्ड ध्रुव जी हमारे साथ मौजूद हैं। ध्रुव जी आप क्या मानते हैं, क्या इतना आसान है पीओके को भारत में शामिल कराना? ध्रुव जी मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ अभी सुनाई दे रहा है, फिर से आप सवाल करेंगे जी? मेरा सवाल यही है कि क्या इतना आसान है जितना चुनावी रैलियों में जिक्र किया जा रहा है कि पीओके को भारत में शामिल करा लिया जाएगा, 400 सीटें अगर मिल गई तो, क्या इतना आसान है तब, जबकि अभी तक ये पूरा मामला अंतरराष्ट्रीय विवाद के तौर पर? नहीं देखिए, जहां तक मेरा अपना सोचने का सवाल है जी, इसमें ऐसा है कि पीओके को हम तब ले सकते हैं जब पीओके की जनता जो है
वो पाकिस्तान आर्मी के साथ वो बढ़ने के लिए तैयार हो जाएगी। अब ये देखिए 1971 में जब ईस्ट पाकिस्तान के लोगों ने, जो बंगाली थे वहाँ पर, उन्होंने कहा कि हम ये हुकूमत सह नहीं करेंगे, तब जाके फिर भारत ने जब अपनी सेना भेजी तब 14 दिन में ये मामला निपट गया। यहाँ पर भी वो स्थिति पैदा करना पड़ेगी, उस स्थिति को पैदा करने के बगैर ये मिलिट्री ऑपरेशन मैं समझता हूँ बहुत मुश्किल होगा। तो वहाँ पर एक बार जब पूरे जनता का सपोर्ट, जो गिलगित बाल्टिस्तान और मीरपुर मुजफ्फराबाद के लोग हैं, जब वो सपोर्ट करेंगे भारत को, तब मैं समझता हूँ कि ये मिलिट्री ऑपरेशन जल्दी कामयाब हो सकता है, जल्दी कामयाब हो सकता है। सर्वे का एक और सवाल ले लेते हैं, उसके बाद मैं सुरेन सिंह लाली के पास आऊंगा। और सर्वे का अगला जो सवाल वो और भी महत्वपूर्ण है। सवाल है, भारतीय सेना ने अगर ऑपरेशन शुरू किया तो पीओके पर कब्जे में कितना वक्त लगेगा? 59% लोग, यानी 59% लोगों का कहना है कि 24 घंटा, 12% लोगों का कहना है 1 महीना, 5% लोगों का कहना है 1 साल लगेगा, और 12% लोग ये मान रहे थे कि कब्जा आसान नहीं है, थोड़ा मुश्किल है, और 12% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सुरेंद्र सिंह लाली हमारे साथ मौजूद हैं। लाली साहब, बहुत बेचैनी है इस चुनाव में, बेचैनी चुनावी सभाओं में दिखाई दे रही है कि पीओके पर किस तरीके से कब्जा किया जाए। और जिक्र ध्रुव साहब कर रहे थे कि जनमत संग्रह, अगर पीओके में जनमत संग्रह हो और वो आपके पक्ष आ जाए तो शायद इतना आसान हो सके। मनोज भाई, क्योंकि मैं इंटरनेशनल इश्यूज पे कमेंट करता हूं, तो मैं, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा इससे अलहदा है जी। मुझे नहीं लगता कि अब अगर हमें अखंड भारत की तरफ बढ़ना है तो हमें आर्मी की जरूरत है। मैं वो बताता हूँ क्यों। क्योंकि जितना जितना हिंदुस्तान पनपेगा वहां, उतना उतना वहां के लोगों को समझ आएगा कि हमारे मुल्क के लोगों ने हमें इस्लामियत का ऑरेंज जूस पिला के हमारे साथ कितना बड़ा धोखा किया हुआ। क्योंकि पाकिस्तान जो है वो सारा पंजाबी और पंजाब और पंजाबी आर्मी चलाते हैं। तो अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि पिछला इलेक्शन था इमरान खान का, तो एक इलेक्शन से पहले उनकी जर्नैलों ने इमरान खान से इलेक्शन सिंबल भी ले लिया, लेकिन उसके बाद भी उसको सबसे ज्यादा वोटें मिली। वो क्यों मिली? क्योंकि जो सोशल मीडिया है वहां, जो उसकी आर्मी है, वो इतना स्ट्रॉन्ग नैरेटिव क्रिएट कर दिया कि उसका सिंबल बैट लेने के बाद भी किसी ने केला, किसी ने बैंगन बना दिया, और उसके बाद लोगों ने कम्युनिकेट कर लिया कि ये भी इमरान खान की पार्टी तारीख इंसाफ है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अब अगर पाकिस्तान के टुकड़े होने, जो मैं नहीं चाहता क्योंकि हमारे लिए सबसे बड़ा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस होगा जी। उसके लिए हमें सेना की जरूरत नहीं है। जब वहां का आदमी इंटरनेट पे जाके देखेगा कि हिंदुस्तान के मठूत गोल्ड के पास पाकिस्तान से ज्यादा गोल्ड, और पाकिस्तान की जीडीपी से ज्यादा महाराष्ट्र का म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का बजट है, तो उसे समझ आएगा कि उसको बनाया गया। तो वो अपने हक के लिए अपने आप लड़ेगा, हमें उसकी जरूरत नहीं है। क्योंकि हमारी, अजय वर्मा आप सहमत है सुरेंद्र लाली ने जो कहा, आप उससे सहमत है? देखिए, ये देश की सरकार जो अब हमारी आने वाली है, उसकी रणनीति होगी कैसे करना है, क्या करना है। भारत के पास, देखिए, पीओके भारत का था, है और रहेगा, लेकिन ये जो केवल टीवी चैनलों पे जिताने की बात करके 2024 के चुनाव जीतने के लिए चौथे चरण में आके अपना वो पुराना कोई रटा रटा रहे निकालना है एजेंडा, ऐसे नहीं जीता जाता। अखबारों में निकलवा दिया और अपनी मित्र मीडिया में निकलवा दिया, ये तो केवल चैनल पे जिता देंगे, जैसे चाइना को चैनलों पे हरा दिया था, भाषणों में हरा देंगे, और चाइना में पाकिस्तान में बिरयानी खाने चले गए, रेड कारपेट लेने चले गए बिना वजह, पैर छूने चले गए। लेकिन आपकी हिम्मत थी तो 2014 में हमला करते लेते पीए को। इनका झूठ का एजेंडा है और उंगली उठा रहे मुद्दों से भटकाते हैं। मैथिल साहब, अजय वर्मा साहब, मैथिल साहब आपके जवाब पे उंगली उठा रहे, जवाब दे दीजिए। रोजगार पे बात नहीं करेंगे, व्यापार पे बात नहीं करेंगे। इनके पैरों के नीचे जमीन नहीं, और कमाल ये है कि इनको यकीन नहीं। इनके जो शहजादे हैं वो वायनाड में पहुंचे, वहां पर हारने के लिए वापस रायसेन नहीं आ गए, वहां स्थिति खराब है, और ये कह रहे हैं कि अमन सरकार बनने जा रही है। अरे भैया, 400 सीटों के साथ नरेंद्र मोदी की तीसरी बार शपथ लेंगे, और उसके बाद पीओके के अंदर हंगामा बरप गया। हंगामा फिर से शुरू हो गया, और शायद इस हंगामे में कोई भी बात स्पष्ट तौर पर नहीं निकल पाएगी। लेकिन किसके पैरों के नीचे जमीन है और किसको यकीन नहीं है, ये तो 4 जून को ही पता चलाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा सभी मेहमानों का जो मेरे साथ तमाम सवाल